सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ते। जेकर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब कर लिया जे, वीडियो नूं लाइक अते शेयर करना ना भुलना। तां दोस्तो, जिहड़े अपने कानू कीती पोस्टां सीगियां उहनां दी काउंसलिंग मिति आ चुकी है 29/11/2021 सवेरे 10 बजे। ठीक है जी, इहनां दी काउंसलिंग है ते काउंसलिंग दे लई बुलाया जा रहा उहनां दे नाम नाल 29 ए विच दर्जन। ठीक है जी, संबंधित उम्मीदवारां नूं हदायत कीती जांदी काउंसलिंग लई तय मिति ते समें अनुसार असल दस्तावेज़ जो कि लड़ी नंबर 3 विच आ दोस्तों सारे जिहड़े दित्ते हुए ने ये लैके पहुँचना है। ठीक है जी, संबंधित उम्मीदवार काउंसलिंग ते हाजिर होने समय काउंसलिंग प्रोफॉर्मा 19-B स्वै घोषणा पत्र 19-C हर पक्षों मुकम्मल भरिया आ पेश करनगे। उम्मीदवार ये प्रोफॉर्मा अपने घर तो ही भर के लैके आउणगे तां जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करन हित दफ्तर विच इकट्ठ होने तो बचा जा सके ते काउंसलिंग की प्रक्रिया नूं जल्द समाप्त किया जा सके। ठीक है जी, उपरोक्त तो इलावा उम्मीदवार काउंसलिंग समय हेठां दर दर्शाए दस्तावेज सर्टिफिकेटा दी तस्दीक शुदा फोटो कापियां फाइल कवर ना कि प्लास्टिक दे फोल्डर विच टैग करके नाल लैके लाजमी तौर पर यकीनी बनाउण। तो मतलब कि जिहड़े सारे अपने डाकूमेंट्स ने इन्हां दी एक एक फोटो कापी विद सैल्फ टैसटड एक फाइल दे विच चिट्टे जे रंग दी जिहड़ी हुंदी उहदे विच नत्थी नाल लैके जाणे ने। ठीक है जी, जन्म मिति दा सर्टिफिकेट जां फिर 10वीं दा ते पंजाबी पास दे सबूत वजो मैट्रिक दा सर्टिफिकेट, विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट। ठीक है जी, डिटेल मार्क ते डिग्री। उम्मीदवार वालों ऑनलाइन अप्लाई किए एप्लीकेशन फार्म की कापी ते रंगदार साइज 2 फोटो। ठीक है, शनाख्ती कार्ड मतलब कि आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट सब ते राखवीं असामिया लई जिन्हां ने किया है जिवें उन्हां दा SCBC वाला सर्टिफिकेट। ठीक है जी, ते राखवीं कोटा जिन्हां ने अप्लाई किया उन्हां दे लई रेजीडेंस सबूत भी चाहिए जिवें पंजाब रेजीडेंस या बॉर्डर एरिया वाला है ना। पछड़ी श्रेणी उम्मीदवार अपलाई विभाग के अनुसार क्लीमिलियर लई आमदन संबंधी जिक्र करते हुए निर्धारित परफॉर्मे में स्वै घोषणा पत्र भी नाल लैके आउण। ठीक है जी, EWS वाले असामी लई लोड़ीदे हर योग्यता आदि संबंधी सर्टिफिकेटा की स्वै तस्दीकशुदा फोटो कापी फाइल कवर में लैके आउण। काउंसलिंग लई बुलाए जाण वाले उम्मीदवार की लिस्ट में नाम दर्ज होण जां काउंसलिंग ते हाजिर होण नाल उम्मीदवार असामी ते नियुक्ति लई अधिकार नहीं बन जाता। उम्मीदवार के दस्तावेज हर पक्षों दुरुस्त पाउण उपरंत ही उसकी असामी लई हर पक्षों योग्यता सिद्ध होण ते ही उसनूं चोण लई विचारिया जाएगा। ठीक है जी, आ सारे तुसी अपने खुद रीड कर लेना। आता दोस्तों, आता रीड करन दी लोड़ ही नहीं, ये COVID-19 वालियां उ ही हुंदियां ने, बस इन्हां नूं दसियां हुंदियां ने। ते आ दोस्तों अपने सारे सिलेक्टेड कैंडीडेट ने जिहड़े जिहड़े भी होए ने, इन्हां नूं कॉन्ग्रेचुलेशन। काउंसलिंग दे लई ये जरूर जाण। आ दोस्तों फॉर्म है 19-B जिहड़ा आपां नाल भर के लै जाणा, इत्थे तस्दीकशुदा अपनी रंगदार फोटो ला के जानी है, रहायशी पता सारा कुछ भर लेना है, अपनी 10वीं 12वीं दे नंबर। ठीक है जी, सारा कुछ अंक प्रतिशत सब कुछ भर लेना है। ठीक है जी, ते फिर उस तो बाद अपने कोल, हाँ जी बस दोस्तों यही है 19-B ते फिर उस तो बाद 19-C ये दोवें फिल करके नाल लैके जाने ने। तो दोस्तों यही सीगे सब। तो जेकर फिर भी कुछ ना समय लगे तो तुसी मैनू कमेंटा विच भी दस सकते हो जिथे ना समय लगे भी की भरना है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो नूं पूरा देखने के लिए, तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना, तो वीडियो चंगी लगी हो तो लाइक अते शेयर भी करना ना भुलना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो नूं पूरा देखने के लिए।